नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। धामी का धाकड़ फैसला। सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश की धामी सरकार के मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के संगठनात्मक ढांचे को मंजूरी दे दी है। केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा और यह सब इसलिए है कि प्रदेश के नागरिकों के विकास और कल्याण की सामाजिक एवं व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धामी सरकार ने जो एजेंडा तैयार किया है उस एजेंडे के मुताबिक उनकी पूर्ति के लिए ये थिंक टैंक सक्रिय रहेगा ताकि राज्य समुचित विकास से लाभान्वित हो सके और उत्तराखंड राज्य देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीते रोज अपनी कैबिनेट बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो उत्तराखंड राज्य को विकास की ओर ले जाने में तो सहायक सिद्ध होंगे ही, साथ ही राज्य की जनता की विकास की योजनाओं से लाभान्वित होगी। इसमें सबसे बड़ा निर्णय नए उत्तराखंड के भविष्य अब विशेषज्ञों के थिंक टैंक के हवाले होगा, जो अपने बेहतर और जनहित के सुझावों से राज्य में विकास को नया आयाम देते हुए नजर आएंगे। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सेतु ढांचे को मंजूरी मिली है, साथ ही उत्तराखंड में बाहर से आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को जमीन खरीदने पर भी सख्ती बरतने के निर्णय लिए गए हैं। भाषा, संस्कृति, नैतिकता व अंग्रेजी सीख पर विदेशों में नौकरी करने के लिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है उत्तराखंड सरकार अपने ऐतिहासिक निर्णय से राज्य में विकास तो करेगी ही, जनता को उन विकास की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और अब उत्तराखंड नई पहचान के साथ भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। नीति आयोग भारत सरकार में है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम सेतु रखा गया है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। धामी सरकार के लिए गए निर्णय पर बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है और उम्मीद कर रही है कि निर्णयों के सहारे उत्तराखंड में विकास के काम और तेज गति से होंगे, राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिलेगा। जबकि विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के निर्णयों पर अभी सवाल खड़े कर रहा है और आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्णय तो बहुत सारे सरकार की तरफ से किए गए। चुनाव से पहले भी भाजपा नेताओं ने बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद भी अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतारने में सरकार नाकाम साबित रही। कुछ निर्णय तो सरकार के ठीक है, लेकिन वो निर्णय धरातल पर भी तो उतरने चाहिए। आप कैबिनेट में निर्णय तो ले लेते हो, लेकिन धरातल में आपके कितने निर्णय उतरे, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा की अभी तक? वही तो लगता नहीं कि कहीं पर उसकी समीक्षा होती हो। जहाँ तक सवाल है, आप आय बढ़ाने के संसाधन आपके क्या होंगे, उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में आपका ध्यान नहीं है, आप नौजवानों को कहाँ से रोजगार दोगे? जहाँ आप रोजगार देने की बात करते हो वहाँ कहीं कहीं कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है, फिर नौजवानों को हताशा नज़र आती है, उनके हाथ में केवल हताशा ही देखने को उनको मिलती है। तो निर्णय उन्हें ऐसे चाहिए जिन निर्णयों पर कार्रवाई भी हो। आप थिंक टैंक बाहर से लाने की बात कर रहे हैं, मैकेंजी जैसी संस्था आपने हायर की है, आप यहीं के नौजवान, मैकेंजी क्या कर रही है, यहीं के नौजवानों को तो ले रही है। उत्तराखंड सरकार लगातार अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास और नए उत्तराखंड बनाने का जो संकल्प लिया है उसके लिए निरंतर कार्य कर रही है और उनका लक्ष्य भी है कि 2025 में हम उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उनका भी यही है कि इस उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाया जाएगा और ऐसा उत्तराखंड राज्य बनेगा कि जो अन्य प्रदेश भी इसका अनुसरण करेंगे, इनका मार्गदर्शन करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं राज्य के हित में निर्णय हैं और लोगों को एक नई आशा की किरण जगी है राज्य से, लगातार राज्य की जनता उन पर भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार अपने निर्णय से उत्तराखंड की नई पहचान बना रही है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए धरातल पर अपने लिए गए निर्णय को उतारने का काम कर रही है, जिससे राज्य में विकास की योजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी ही, साथ ही उत्तराखंड का नया स्वरूप भी आने वाले दिनों में इन विकास की योजनाओं के पूर्ण होने के बाद देखने को मिलेगा, जो धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। तो धामी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि देखी जाएगी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो फैसले केंद्र में लिए गए उसके बाद ये देखा जाएगा जब ये
धरातल पर आएंगे तो धामी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगी। रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे, तैयार किया जाएगा बाहर उनको जॉब मिले और भी अपॉर्चुनिटीज को लेकर जिसमें बात की जा रही है। इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के राजेश हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के शिशिपाल बिष्ट हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का चर्चा करने के लिए हमारे साथ। तो जिस प्रकार से देखा जाए धाकड़ फैसलों से चमकेगा पहाड़ सवाल इस बात का उठ रहा है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल कर रहा है कि जिस प्रकार डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भसीन साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सेतु से क्या प्रदेश का उद्धार होगा? पान जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेतु जो है जो बनाया जाएगा निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास का एक मार्ग प्रशस्त करेगा, और इसमें जहां एक और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित जनप्रतिनिधि होंगे, वही अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा जी। ये प्रदेश के लिए जो आवश्यक योजनाएं हैं मेरे क्षेत्रों के विकास में, इसमें जनता की सहभागिता भी रहेगी, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो आदि आदि, उन सभी के लिए प्रभावी योजना बनाएगी और साथ ही उनके कार्यान्वयन को भी लेकर के सुनिश्चित करेगी। तो आज तक कभी भी इस प्रकार से सामूहिक प्रयास नहीं हुआ, विभिन्न विभागों ने अलग अलग योजनाएं बनाई और उन्हें कहीं पर भी एक समन्वय नहीं होता था, लेकिन अब पूरे प्रदेश को एक मानकर विकास के लिए दिशा तय की गई है, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तय किया है कि सन 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये जो सेतु है ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसमें जनप्रतिनिधि और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन सब की राय जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। शिशिपाल जी, आने वाले टाइम में उत्तराखंड बहुत अग्रणी राज्य बनेगा, सेतु से उद्धार होगा प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के जिस प्रकार से सेतु है वो उत्तराखंड का उद्धार कर पाएगी? अच्छा है, जुमला बहुत अच्छा है अगर सरकार कर पाए तो, लेकिन 2014 के बाद पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि ये न्यू इंडिया की बात, डिजिटल इंडिया की बात सरकार कर रही थी जी। वो तो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा, और 6 साल से राज्य के नौजवान जो है रोजगार की उम्मीद में जो है ओवरएज हो रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और बदले में उनको मिल रहा है तो उनकी नौकरियां बेची जा रही हैं, बेरोजगार पीटे जा रहे हैं, उन पर गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सरकार बार बार कहती है कि हम 25,000 लोगों को रोजगार देंगे, 50,000 बेरोजगारों को रोजगार देंगे, इस बार ये वैकेंसी निकलेगी, उस बार वो वैकेंसी निकलेगी, अखबार विज्ञापनों से पटे रहते हैं, लेकिन वो रोजगार बेरोजगारों को नहीं मिलता। परीक्षाएं भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलती उनको। बेरोजगार नौजवान परेशान है, हताश है, निराश है। अब ये नया जुमला आया है कि साथ विदेशों में नौकरियां दी जाएंगी, स्किलिंग की जाएगी। स्किलिंग तो आप 2014 से कर रहे हैं, स्किल इंडिया का नारा देके आप सत्ता में आए हैं जनाब, उसके बाद ये जुमला साबित हुआ, और अभी तक तो आप रोजगार देने में असफल रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कौन सी करामात और आप कौन से टेलिस्म से, कौन से जादुई चिराग से आप रोजगार निकालते हैं, जो विदेशों में रोजगार अगर आप उपलब्ध कराने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुश होने वाले हम होंगे, लेकिन पर भरोसा कैसे करें राज्य के बेरोजगारों को, तो अब सरकार पे भरोसा रहे जी। भसीन साहब, उनके ठगे गए हैं बार बार। भसीन साहब, जुमलेबाजी आपके ऊपर, बिल्कुल सही बात, मेक इन इंडिया की आप लोग बात करते हैं, तमाम बातें ऐसे करते हैं, और जो भी लेकर आते हैं अगर पेपर भी कराते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं आपके, तो क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उसके बाद इन सारी बातों को बात किया जाए? देखिए, पहली बात जो शिशपाल जी ने कही कि हम जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कहा वो सारी की सारी घोषणाएं जो है धरातल पर आ रही है। चुनाव से पहले उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात की थी, वो आ गया। उन्होंने सख्त कत्ल कानून की बात की थी, वो आ गया, और देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो सरकारी संपत्तियों पर अवैध निर्माण को दूर हटाने के लिए
कार्रवाई की बात थी वो भी हम कर रहे हैं। और जो नौकरी की बात शीशपाल जी कह रहे थे, तो शीशपाल जी को याद दिला दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे प्रदेश में विभिन्न विभागों में 20,000 से अधिक पदों पर कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर जो घपले की बात आप कर रहे हैं, हमने तो घोटालेबाजों को गिरफ्तार किया, लेकिन ये घपला तो कांग्रेस के समय चल रहा था, कांग्रेस के नेता शामिल थे और इसमें उनको दबाया गया, बचाया गया। और इसका प्रमाण ये है कि जिस समय अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का घपला पकड़ा गया तो कांग्रेस सरकार थी, लेकिन उन्होंने उसके अध्यक्ष को बचाया, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करी, कोई गिरफ्तारी नहीं करी। हम तो 100 से भी गिरफ्तारियां कर चुके हैं। तो हमारा काम पूरे सिस्टम को ठीक करने का है। हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड को केवल भ्रष्टाचार दिया और पिछड़ दिया। हम रोजगार के नए अवसर ला रहे हैं। और एक बात क्या कि अपनी इस वक्त वक्तव्य को रोकूंगा कि जो सेतु है शिशपाल जी, वो नौकरी देने के लिए नहीं है, वो अपनी जो प्रभावशाली योजनाएं हैं उनको अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तो क्या आप बोलिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने स्टेटमेंट दिया कि सेतु नौकरियां देगा, वो प्रभावशाली हर क्षेत्र के अंदर योजनाएं बनाएगा और बनाने के साथ उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। एक व्यापक एक थॉट है जिसको कांग्रेस के हमारे मित्र जो समझ नहीं पाते। तो मेरा कहना है कांग्रेस अपना सोचने का दायरा बढ़ाना चाहिए और उत्तराखंड के विकास में अगर नकारात्मक बात करने से बचे तो अच्छा हो। शिशुपाल जी, विकास में नकारात्मक बात करने से बचे तो अच्छा होगा, आप योजनाओं को समझ नहीं पाते। आपकी सरकार में कितने घोटाले हुए? देखिए मजेदार बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस समझ नहीं पाती। चलो कांग्रेस नहीं समझ पाती, इस बात को मैं एक मिनट सहमत हो सकता हूँ, लेकिन प्रदेश के बेरोजगार क्यों नहीं समझ रहे हैं सरकार की योजनाओं को? लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर नौकरियां बेचे जाने के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अरे बेरोजगारों को समझा दो, प्रदेश की जनता को समझा दो। आपके दो दो पूर्व मुख्यमंत्री सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आप तो उनको नहीं समझा। बेरोजगारी तो सर आपके भी शिशुपाल जी, बेरोजगारी तो आपके टाइम पे बहुत थी, आप बेरोजगारी तो आपके टाइम पे बहुत थी। ये यूके एसएससी में जिन रावत जी की बात कर रहे हैं, उनको सलाहकार बनाया इनके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने, आपने उनको सलाहकार क्यों बनाया? और आप कांग्रेस के दौर में कह रहे हैं 2016 में यूके एसएससी का गठन कांग्रेस की सरकार में हुआ, लेकिन जो घोटाले में 2018 के बाद ये आप बताइए कांग्रेस की सरकार में कौन से घपले घोटाले में, और जो बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप में पकड़े गए वो सारे आपके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। शशिपाल जी, आपकी भी सरकार में बहुत घोटाले हुए, आपकी भी सरकार में घोटाले बहुत हुए शशिपाल जी, आप कौन से दूध के धुले हैं? आपकी सरकार में भी घोटाले खूब हुए, दूसरों पे आरोप लगाने से पहले ये देखिए आपकी सरकार में बहुत घोटाले हुए शशिपाल जी। कांग्रेस पार्टी की सरकार में घोटाले हुए तो 6 साल पहले आप उनकी जांच करवाइए, पहले आप उनसे निपटिए। आप बताइए सरकार किसकी है? सरकार नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, तो आप कौन से दूध के धुले हैं? आपकी सरकार में तमाम घोटाले हुए? नहीं नहीं, अगर हुए तो 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे जब आप सरकार थी आपकी, प्रदेश में आपकी सरकार थी, तब भी आप सवालों घेरे में थे। आप घोटालों की बात कर रहे हैं शशिपाल जी, आप पर भी तमाम आरोप हैं। देवेंद्र भसीन जी, उसके बाद राजेश जी के पास आएंगे। कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने से इनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। भसीन साहब विफल है, भसीन साहब बताइए, प्रदेश का बेरोजगार मान रहा है, आपके ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और ये हर समस्या के लिए कांग्रेस पीरियड में 74 घोटाला हुआ, अधिकारी जेल गए हैं। अरे बात तो सुन लीजिए, अरे सुनिए शिशपाल जी, आप पूछ रहे थे ना कार्रवाई क्या हुई, मैं बताता हूँ आपको। आज रावत जी जेल, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। अरे शिशपाल जी बात तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे अरे ये बात है, कांग्रेस के मित्र हमारी बात नहीं सुनना था। मैं कह रहा हूँ शिशपाल जी की जो मेरी बात तो सुनिए ना। अरे मैं बात सुन ली आपकी, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना उसको, मैं हर बात को उत्तर दे रहा हूँ। मैं आप मेरा उत्तर सुनिए ना, कांग्रेस के शुरुआत में करता हूँ मुख्यमंत्री से, शराब घोटाला किसने किया था? डेनिस कौन बेच रहा था? एक बात उसकी सुनी मेरी बात, NH74 घोटाला किसने किया था? इसी प्रकार से राशन घोटाला किसने किया था? इसी प्रकार छात्रवृत्ति घोटाला किसने किया था? ये सब आपके पीरियड के हैं। इन सारे मामलों के अंदर आप
जो लोग हैं उनको अपने जेल भेजा है। जिन रावत जी क्या बात कर रहे हैं, वो तो रावत जी आज जेल में है, आपके प्रिय पात्रों में से हुआ करते थे। हम सारे आरोपियों को पकड़ करके जेल में डाल रहे हैं, सारी बातों को खोल रहे हैं। आप बिल्कुल, अरे आपने सोच नहीं आता, हमने 100 व्यक्ति से भी गिरफ्तार कर लिए, और आपने क्या किया, आपने उनको पाला पोछा, आपने उनको पाला पोछा, और आपके चौथे माले पर, आपके चौथे माले पर नौकरियां बेची जाती थी, मान्यवर चौथे माले पर नौकरी बेची। कैसी बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी पे क्या हुआ? आप कहते हैं कि आपके यहाँ लॉर्डर ठीक है, ठीक से काम हो रहा है, अंकिता भंडारी पे क्या हुआ? चौहान जी, मैं चीज बताना चाहता हूँ कि चाहे भर्ती घोटाले की बात हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, न्याय अभी तक ठीक से नहीं मिला। कैसी बातें कर रहे हैं भसीन साहब? नहीं सुनिए ना, न्यायालय ने माना इस बात को, माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार की जो जांच है वो सही है। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, सरकार आपकी है। हमने हम जिम्मेदारी के संग काम कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी पर जिम्मेदारी से नहीं बांध सकते। ठीक है, उच्च न्यायालय राजेश जी ने मोहर लगाई है। राजेश जी, क्या सेतु से उत्तराखंड प्रदेश को, राजेश जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आ रही है भाई। राजेश जी, सेतु से क्या उत्तराखंड का उद्धार होगा? भाई साहब ऐसा है, डिबेट में हम लोग बैठते हैं और कोशिश ये करते हैं सभी लोग कि प्रदेश के कल्याण के लिए चर्चा हो जी, प्रदेश के लोगों को क्या अच्छा मिल सकता है उसके लिए चर्चा होनी चाहिए। आज अब 2024 के लिए, जैसे आप सब जानते हैं कि लोकसभा के लिए समय बहुत कम रह गया जी, तो डिबेट में एक काम बड़ी अच्छी हो रही है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि आप चोर और भ्रष्टाचारी, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप चोर और भ्रष्टाचारी, क्योंकि पिछले 23 वर्ष इन्हीं लोगों की पार्टियां लगातार इस प्रदेश के अंदर आई है, और क्या कारनामे दोनों पार्टियों ने किए हैं ये पूरा प्रदेश जानता है। अब अगर हम उन मुद्दों से हटकर प्रदेश के अंदर जो आज के हालात हैं उस पर बात करेंगे तो बड़ी पीड़ा होगी। आज यहाँ का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है तो उसे डंडे मिल रहे हैं। आज प्रदेश का किसान खेती करना चाहता है तो बंदर सुअर उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है कि किसानों को किसी तरह की अच्छी व्यवस्था दी जाए जो खेती की तरफ प्रेरित हो। आज प्रदेश का युवा टूरिज्म के लिए इस प्रदेश के अंदर स्वरोजगार के माध्यम से कुछ करना चाह रहा है तो उनको कहीं पे भी किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं जी। आज हर विभाग के व्यक्ति आप ले लीजिए, चाहे आप फार्मासिस्ट ले लीजिए, आप चाहे आंगनबाड़ी बहनों को ले लीजिए, आप चाहे आशा कार्यकर्तियों को ले लीजिए, आज आप उपनल के कर्मचारियों को ले लीजिए, आज आप टीचर्स को ले लीजिए, वो सारे सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। इसके क्या ऐसा क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। होना प्रदेश के अंदर ये कि पलायन रुके, ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। आप दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में आपके दो मंत्री सत्येंद्र जैन और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर रिनोवेशन पर कितने सवाल हैं? आप दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं राजेश जी, पहले अपने दामन को देखिए, अपने दामन को देखिए, पार्टी दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, पहले ये देखिए कि आप पर कितने आरोप हैं। डिबेट आप उत्तराखंड पे कर रहे हैं, दिल्ली पे कर रहे हैं तो दिल्ली बात दिल्ली की नहीं कर रही, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली पे पार्टी की बात कर रहा हूँ कि आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं, भ्रष्टाचार की बात करता हूँ, मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे आता हूँ ना, बिल्कुल भ्रष्टाचार आपकी पार्टी में है। 2 करोड़ मोदी जी ने रोजगार दे दिया, आपने सवाल किया कभी कि 2 करोड़ रोजगार मिल गए मोदी जी के? मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, दूसरों पे आप करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, आपके दो दो मंत्री जेल में है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं खुद सूबे के मुखिया केजरीवाल पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं आप पर। कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं आप राजेश जी, कैसी बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले ये देखिए आपका दामन कितना साफ है। भसीन साहब, आप अगर उत्तराखंड पे डिबेट कर रहे हैं तो उत्तराखंड के मुद्दों पे बात, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं तो भ्रष्टाचार के आरोप की बात कर रहा हूँ, मुद्दों की लेकर बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के है ना आप, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, आम आदमी पार्टी के है ना आप, मैं कह रहा हूँ भसीन साहब हम डिबेट कहाँ पे कर रहे हैं? ठीक है सर, आपके पास आएंगे भसीन साहब, उत्तराखंड पे आता हूँ, उत्तराखंड आएंगे आपके पास। आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली की बात मत करो, विधानसभा चुनाव हो रहा था, नहीं बोला है, आप दिल्ली बॉर्डर की बात कर रहे हैं, प्लीज आप दिल्ली बॉर्डर की बात कर रहे थे ना, अब मुझे मौका दिया दिल्ली के एंकर महोदय की बात, राजेश जी आपके पास आएंगे 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 आएंगे, बात पूरी बात सुन लीजिए ना,
राजेश जी थोड़ा सब्र रखिए, आपके पास आएंगे। आपने जो आरोप लगाए मैं उसी का जवाब ले रहा हूँ वसीम साहब से। मैं मुझसे कहा गया ना, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा कहना ये राजेश जी, जिस समय उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हो रहे थे, आप दिल्ली मॉडल की बात क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे आप तो दिल्ली मॉडल की आप बात करेंगे? आपके सबसे बड़े नेता दिल्ली में, आप जिनको हीरो बना घूमते हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा तो होगा, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। आपके स्वतंत्र जेल जाना खुलासा होगा। राजेश जी, राजेश जी, जब भी केजरीवाल आते हैं उत्तराखंड में इलेक्शन की बात करते हैं तो दिल्ली मॉडल को हर जगह रखा जाता है, चाहे कहीं भी इलेक्शन हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी इलेक्शन हो देश में। दिल्ली में हमने फ्री में ये किया, दिल्ली की जनता इतनी खुश ये है, दिल्ली की बात ये है। जब आप पे कोई आरोप लग जाता है राजेश जी, आप पर इतना आरोप लग जाता है, तिलमिला जाते हैं आप ये मानिए कि आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार है, आप ये मानिए। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले आप ये जानिए कि आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार है ना, वो तो दिखाई दे रहा है। कोर्ट में भी आपके देश जानता है कि आपके अंदर क्या है। कैसी बातें आप कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, दूसरों को भ्रष्टाचार बता रहे हैं। अगली डिबेट रखिएगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी डिबेट किस प्रकार से हो। केजरीवाल जाते हैं उत्तराखंड में, कहते नहीं है कि क्या हमने दिल्ली मॉडल लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब आप पर ये बात आती है घुमाते हैं किस बात को, केजरीवाल से आप दूर है क्या, आम आदमी पार्टी के आप है ना भाई साहब। डिबेट में अगर आप सवाल करते तो उसका आंसर भी सुन लीजिए, नहीं तो मेरा बिल्कुल सर आपका आंसर ही सुन रहे हैं जी, राजेश जी आपका आंसर ही सुन रहे हैं। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार की बात करते ना दूसरी पार्टी पर, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी में कितना भ्रष्टाचार है। दिल्ली में कितना लोगों को फ्री में पानी मिल रहा है, कितनी बिजली मिल रही है, कितना क्या है। भसीन साहब आरोपों में जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी उत्तराखंड में ठीक से काम नहीं करती है, जनता त्रस्त है आपके राज्य में। देखिए सबसे बड़ी जो पारखी है किसी लोकतंत्र में वो जनता है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस को फिर मुक्की खानी पड़ी और पूरे सारे मिसक तोड़ते हुए हम दोबारा सरकार में आए। आम आदमी पार्टी के सारे लोगों की जमानतें जब्त हुई, इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की जमानत है ना। लोकतंत्र में क्या होता है राजेश जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मामला क्या है? लोकतंत्र का मामला क्या है? जनता किसके साथ है? जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। हमारी पार्टी को भारी बहुमत मिला है। आपकी पार्टी के सारे लोग जवान में जब भी हारे, मान लीजिए ना, अरे मान लीजिए पहले तो, पहले मान लीजिए ना कि आपकी पार्टी के सब लोग जवान थे जब, तो जनता ने कराई, जनता ने कराई, जनता का प्रमाण पत्र लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है। जी जी शिशुपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? शिशुपाल जी जनता हमारे नीतियों को स्वीकार करती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। शिशुपाल जी मान लीजिएगा आपको, शिशुपाल जी बोलिए। शिशुपाल जी देखिए, अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचारी है तो इसका मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को जो है उसके बदले में भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट मिल गया। आप राज्य में 6 साल से सरकार में है, जवाबदेही आपकी है। अगर आपसे पहले कोई भ्रष्टाचार हो तो उसकी जांच कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। और आप आज स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों को विदेश में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्य के अंदर IIT और पॉलिटेक्निक बंद क्यों हो रहे हैं? आज बंदी की कगार पर क्यों है? वहां क्या स्किल इंडिया के लिए बच्चे नहीं जा रहे हैं? पहले तो आप उनकी स्किलिंग की जिम्मेदारी दीजिए, नवोदय विद्यालय। बिल्कुल बस इंसान, जिम्मेदारी आपकी भी है, 6 साल से प्रदेश में आपकी सत्ता है। अगर भ्रष्टाचार है तो जांच कराने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो देखा जा रहा है कि धामी का धाकड़ फैसला सेतु प्रदेश में आगे चलकर कितना कारगर होगा, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप विपक्ष लगा रही है बीजेपी पर और बीजेपी लगा रही है विपक्ष पर, इस पर जनता कहां पर पिसती है ये बड़ा सवाल बनता है। लेकिन सेतु प्रदेश में किस तरह से काम कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।